आज के चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलम का नियम, हमारा चैप्टर का नाम है हमारा। और इसमें हम कूलम का नियम आज बताएंगे। कूलम का नियम इंग्लिश में कहते हैं इसको कूलम्स लॉ। जो हमारा कूलम्स लॉ है वो हमारा दो बिंदु आवेश अगर स्थिर हो तो उनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है उसका रिलेशन बताता है। तो हम यहाँ दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। एक हमारा बिंदु आवेश है, ये बिंदु है ना, ये बिंदु आवेश हम इसको प्लस क्यू ले लिए। आवेश को क्यू से लिखते हैं। और जो हमारा आवेश होता है या तो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। हम इसको धनात्मक आवेश लिए हैं, इसको ऋणात्मक ले लेते हैं। दो आवेश है हमारा, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। तो इन दोनों बिंदु के बीच जो बल लगेगा, जो फोर्स होगा, वो हम कूलम के नियम से निकालते हैं। यहाँ क्यों क्यों ही ले लेते हैं, प्लस क्यू दोनों चार्ज है हमारा। अगर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, सेम होगा तो मान लगेगा प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर अलग अलग होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस होगा, या ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो हमारा होता है आकर्षण बल लगता है इनके दोनों के बीच। इंग्लिश में कहते हैं आकर्षण बल को अट्रैक्शन फोर्स एंड प्रतिकर्षण बल को बोलते हैं रिफ्लेक्शन फोर्स। तुम्हारा यहाँ हम प्लस क्यू ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू ले रहे हैं। तो यहाँ हमारा हम इसको ए बिंदु लिख देते हैं, यहाँ बी बिंदु। ये हमारा बिंदु हो गया प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है। जो इनके बीच में फोर्स होगा, बल होगा, उसको हम एफ से लिखेंगे। तो वहाँ जो बल होता है एफ, कूलम का नियम कहता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपातिक होता है। यहाँ एफ आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर अलग अलग होगा चार्ज तो आकर्षण बल होगा। तो यहाँ यप जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम क्यू वन लेंगे, इसको क्यू टू लेंगे, तो हमारा जो यप प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू। ये दोनों आवेश स्थिर हैं, गतिमान नहीं है, स्थिर है, तभी कूलम का नियम फॉलो करता है। तो यप हम लेंगे क्यू वन इंटू क्यू टू का मल्टीप्लाई लेंगे, अनुपाती होता है। ये कूलम का फर्स्ट नियम है। एंड सेकेंड नियम है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हम दोनों की दूरी ले लेते हैं आर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा यफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं यफ प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर के, या इसको बोलते हैं यफ विद्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। तो हम इसको फर्स्ट समीकरण ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन टू। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू है, तो हमारा आ जाएगा क्यू वन इंटू क्यू टू अपान, नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अनुपातिक है, जब अनुपातिक हटेगा तो हमारा कुछ कांस्टेंट आएगा, हम कांस्टेंट की वैल्यू के ले लेते हैं। हमारा कोई कांस्टेंट के है और ये क्यू वन इंटू क्यू टू अपान आर स्क्वायर। जो ये कांस्टेंट है के, यहाँ लिख देते हैं हम के कांस्टेंट है, या इसको कहते हैं नीतांक है। के हमारा नीतांक है, जिसका मान होता है प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, इसका मान होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10^12 रख के हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 9.9 × 10^9। यहाँ से हम मात्रा निकालेंगे तो हमारा आएगा एफ का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्यू वन क्यू टू दोनों आवेश हैं, आवेश मात्र कूलम होता है तो कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। जो नीतांक आएगा, नीतांक की वैल्यू इतनी होती है, इसको हम पुट करने वाले 9 × 10^9, इसका मात्रक जो होगा के का, यहाँ फोर्स का मात्रक न्यूटन, डिस्टेंस है दूरी है आर, दूरी को मीटर से नापते हैं मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ दो चार्ज है क्यू वन इंटू क्यू टू तो कूलम स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यफ इक्वल टू के का नीतांक की वैल्यू लिख देंगे हम, तो हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा कूलम का नियम है। आगे बताएं, इसके आगे हम देख लेते हैं
तो यहाँ हम एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट की 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ हम फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारा दो बिंदु आवेश क्यू वन क्यू टू है, अगर इसके बीच कांस्टेंट भरा, इसके बीच में अगर परावैद्युतांक पदार्थ भरा है हमारा, तो यहाँ के आ जाएगा यहाँ पर 4π0 के हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। अगर हम चार्ज की वन क्यू टू के बीच रखेंगे परावैद्युत पदार्थ, तो यहाँ के आ जाएगा 1/4π0 के आ जाएगा। यहाँ हम रख लेते हैं एफ इक्वल टू 1/4π0 की वैल्यू है 9 × 10⁻¹। चार्ज हमारा क्यू वन इंटू क्यू टू है अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम का नियम है। बल का मात्रक या फिर हमारा फोर्स है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन, फार्मूला यह हो गया और मात्रक न्यूटन। जो हमारा यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया है, अगर एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू लिखना चाहें और इसका मात्रक निकालना चाहें, ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितनी होती है और इसका मात्रक यूनिट भी पूछ लेता है। यहाँ हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ होगा एफ इक्वल टू 1/4π εo इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम इधर एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का की विमा या यूनिट, यूनिट होते हैं मात्रक, तो इससे जो मात्रक आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर के साथ। इधर हमारा चार्ज क्यू वन क्यू टू है, तो चार्ज का चार्ज मात्रक कूलम होता है, तो हमारा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होगा कूलम, इसका भी होगा कूलम, कूलम स्क्वायर, और इधर हमारा आ जाएगा फोर्स बल है, इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, बल का मात्र न्यूटन और आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में होगा, तो यह मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है, एक मात्रक है मात्रक। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, ये होती है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। यह हमारा जो फोर्स है आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज हमारा कैसा है।